स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी बुलंदशहर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को बुलंदशहर के अलग अलग कस्बों और शहरों में 27 नए कोरोना मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी और बढ़ गई है। अब जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 905 तक पहुंच गई है। हालांकि 622 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अब कुल 259 कोरोना मरीजों का कोविड अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज नगर के मुख्य बाजार का भ्रमण करते हुए स्थिति का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान सड़क के दोनों ओर की दुकानें खुली पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वीडियो और फोटोग्राफी कराते हुए तत्काल एक तरफ की दुकानों को बंद कराए जाने के निर्देश जारी भी किए। कोरोना लगातार देश में भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 28,701 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 18,850 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 13 अप्रैल यानी आज तक की बात करें तो देश में मरीजों की संख्या 878,254 पहुंच गई है। इनमें से 553,471 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि देश में अब भी 316,009 मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटे में 500 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के कारण 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है। Time24 न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील करता है कि यदि कोई आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले, बिना वजह से बाहर ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे, शासन व प्रशासन का सहयोग करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।